गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं जबलपुर घूमने के लिए और क्या बोलते हैं सुबह के 6 बज रहे हैं। मैं रेडी हो चुका हूँ और मेरा दोस्त आ रहा है आंसू। मेरी आवाज़ थोड़ा बैठ चुकी है क्योंकि मैंने चाय नहीं पी। तो अब हम जा रहे हैं, हम रेडी हो चुके हैं पूरे आंसू के पास। तो आंसू आ रहा होगा मुझे लेने के लिए नीचे, तो मैं चलता हूँ। सुबह के 6 बज चुके हैं। तो गाइस ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है, मेरे को लग रहा था मजाक की ठंड नहीं होगी। सो ये आप देख सकते हैं कोहरा ही कोहरा पूरी जगह, बहुत ठंड है। चांद देखिए कितना प्यारा निकला हुआ है सुबह 6 बजे का। तो फाइनली हम आंसू के पास आ गए हैं। बहुत मेरे को उसने कम से कम बहुत कॉल की, एकदम घंटे भर कॉल करते रहा। क्या हुआ भाई इतनी जल्दी आ गए? तो गाइस आप देख सकते हैं कि ये कोहरा देखिए कितना ज्यादा पड़ चुका है, कुछ दिख नहीं रहा है जाने आने का। ये कोहरा है, मैं आपको बाहर से दिखाता हूँ, नहीं देख पाना लॉक किए। ऐसा लगता है मनाली आ गए हैं। फाइनली चाय मिल चुकी है हमें इनकी बदौलत, नहीं तो इन्होंने फाइनली 2 घंटे गाड़ी चलाई है, 2 घंटे बाद चाय मिली है मेरे को। अभी हम लोग उतरे हैं यहाँ पर रेस्ट करने के लिए, सब लोग रेस्ट कर रहे हैं। ये देखिए अमरुद तोड़ रहे हैं आंसू भाई। आंसू भाई आप क्या कहना चाहेंगे ऐसे मूवमेंट पे? बहुत तेज है यार। क्या बात है भाई, ये हम लोगों को अमरूद डली हुई मिली रास्ते में, तो हम लोगों ने रख लिया, अचार के काम आएगी हम लोगों की। ये सुबह से कुछ खाने नहीं दे रहे हैं, 10:30 बज चुके हैं और बोल रहे हैं अभी भी कुछ नहीं खाओ, जबलपुर में खाएंगे सीधे। ये स्थिति है, गंभीर पीट हो चुका है हमारा। चाचा जल्दी बना दो भजिया, चाचा जब भजिया बना तो ये तेल कड़ी कड़ाई में चढ़ता हुआ। फाइनली 2 घंटे के बाद समोसे खा रहे हैं। अभी हम लोग नाश्ता कर रहे हैं, 12 बजे हम लोगों का नाश्ता हो रहा है इनका आंसू भाई। अभी हम लोग घूम रहे हैं जबलपुर में। देखिए जबलपुर की टंकी, बताया जा रहा है कि टंकी के नीचे कुछ स्पेस है मिलता है खाने के लिए, तो बर्गर लेने जा रहे थे हम लोग। बर्गर का जैसा मजा कहीं नहीं है, बर्गर बर्गर है गाइस, मिल गया। ब्लॉग में डल रहे जो देखो आए करो। No, it hurts me too. So broken when you cry one more and then I say goodbye. Sometimes all I think about is you. Late nights in the middle of June, heat waves been faking me out. Can't make you happier now. Sometimes all I think about is you. Late nights in the middle of June, heat waves been faking me out. Can't make you happier now. हम लोग आए हैं जबलपुर के आगे भेड़ाघाट, जो यहाँ पे पार्किंग मतलब कि वो मेला लगा हुआ है और यहाँ पर घाटियाँ वगैरह भी हैं। तो अभी हम लोग जाएंगे वहाँ पे, घाटी भी दिखाएंगे। और ये रहा पूरा मेरा गुरु, ये रहा मैं। देख सकते हैं आप लोग पूरी मार्केट ही मार्केट है यहाँ पर।
99 रुपए में चश्मे। फाइनली हम लोग भेड़ा घाट पे आ गए हैं। ये देखिए घाट पे ये चल रही है, यहाँ पर क्या बोलते हैं इसको आसु? भेड़ा घाट नहीं, इसको क्या बोलते? ट्रॉली। देखिए मन हमें भी डाल रही हूँ ब्लॉग में, हमें तुम्हारा है ना। हम ये बोल रहे हैं सिस्टम अपडेट कब होना है, अपडेट कब होना है? अपडेट ही अपडेट हो रहा है, अपन चल गए। गाइस अगर आप लोग अपडेट का मतलब समझो तो कमेंट में जरूर बताना अपडेट का मतलब क्या होता है, हम लोगों का अपडेट। ताविस भाई मुस्कुरा क्यों रहे हो, कुछ देखा क्या? तो गाइस देखिए यहाँ का नज़ारा, कितनी पब्लिक है, ज़ोरदार पब्लिक है, सब एकदम फर्स्ट क्लास। और यहाँ पे आया हूँ मैं भेड़ा घाट पे, और ये देखिए घाट का पुल, कौन सा देखिए। हाँ दे दिया सब का। देखिए कितना शानदार नज़ारा लग रहा है यहाँ का, एक नंबर धुआंधार पुल। भाई साहब कहाँ जा रहे हैं आप? देखिए गाइस इतना प्यारा झरना बह रहा है, इसको बोलते हैं भेड़ा घाट, यही यहाँ का सबसे ज़्यादा फेमस है। ये पोज बनाए खड़े हुए, ये हमसे बोल रहे हैं कि हमारी फ़ोटो क्लिक करिए। करिए ना भाई करिए। करता हूँ अभी करता हूँ, और मेरा वहाँ जाने का मन था बहुत। यहाँ ये दिख रही है मेरी उंगली, यहाँ बस यहाँ ये धुआंधार इसको बोलते हैं भेड़ा घाट। ये पूरा भेड़ा घाट का नज़ारा, बस यही है और कुछ नहीं है यहाँ पे। चलो हम तुम्हें छतरपुर में दिखवा दे हैं, चलो अंधेरा हो चुका है। अब हम लोग जा रहे हैं वापस फिर जबलपुर की ओर, अब बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, तो अब हम लोग जाएंगे कुछ खाएंगे फिर उसके बाद अपने घर के लिए रवाना होंगे। ठीक है भाई, तो अब मिलते हैं जबलपुर में। फाइनली हम आपको दिखाते हैं, ये देखिए चाइनीज। तो गाइस फाइनली हम लोगों को मिल गया है सीख बूटी सीख कबाब, बेहतरीन भाई मेरे खवा रहे हैं, और आसू भाई तो लगे पहले से स्टार्ट हो चुके हैं। क्या गया अभी अपना क्या आएगा आसू इसके बाद चिकन लेग पीस। ठीक है तो भाई ठीक है, जो बनाओ फिर मस्त बनाना भाई। वैसे सीख बूटी एक नंबर है ना भाई, है ना, अपने शहर में मिलते ही नहीं है। अभी भी लग रहा है, देखो ऐसे निकल भाई। राजश्री से और बाथरूम का क्या संबंध है, हमें थोड़ा ये बता दीजिए आप। राजश्री और बाथरूम का क्या संबंध है? बाथरूम कहाँ, वहाँ ये नहीं है इंग्लिश वाली। तो गाइस हम लोग आए हैं ढाबा, हमें एक न्यू एडवेंचर दिखा है, जिसको अपने घर पे वॉल बिशन लगवाना हो जिसके पास पैसे नहीं है, तो ये रहा आपके सामने डब्बा वॉल बिशन। इसे चलाइए और इसे इस्तेमाल कीजिए, आपका मात्र 20 रुपए में काम बन जाएगा। फाइनली खाना आ गया है, हम लोग ढाबा में बैठे हैं।
हम लोग अब खा पी के निकल रहे हैं अपने अपने घर। तो हम जा रहे हैं गाड़ी में सोने के लिए, आप लोग भी जाइए अपने अपने घर पे सोइए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके भाई, लाइक ज़रूर करना इस ब्लॉग को, क्योंकि ये मेरा पहला ब्लॉग था, मैंने ट्राई किया था, लेकिन लाइक ज़रूर करना, मोटिवेशन मिलती है। बाय, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।